वेलकम स्टूडेंट्स वेलकम टू लैक्चर थ्री ऑफ पावर प्लांट इंजीनियरिंग के एम ई जीरो सेवन सिक्स वेलकम टू द ऑनलाइन पोर्टल ऑफ डॉक्टर ए पीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ टुडे वी डिसकस दिस्ट्री प्रजेंट स्टेटस एंड फ्यूचर स्टेटस ऑफ द पावर प्लांट्स आई एम डॉ तरुण कुमार गुप्ता Associate Professor in Department of Mechanical Engineering, G. L. Bajaj Institute of Technology and Management, Greater Noida. See, first of all, we will discuss the history of power generation in India. History of power generation in India is approximately 140 years old. First demonstration of electricity was conducted in Calcutta in 1879. This was the first demonstration. इसमें बताया गया था कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी क्या कर सकती है उस जो भी उस समय टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से नहीं उस समय जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी कि इलेक्ट्रिसिटी क्या क्या कर सकती है सो बेस्ड ऑन दैट इनपुट फर्स्ट पावर प्लांट इन इंडिया वॉज सेटअप दैट वाज हाइड्रो पावर प्लांट आई टोल्ड यू एट दैट टाइम देर वाज नो थर्मल टेक्नोलॉजीज वाज अवेलेबल So, hydro technology was available. so first power plant was function in Darjeeling in eighteen nineteen seventy. Yes, this power plant was of very small capacity, only one thirty kilowatt capacity. but this power plant gives a light, gives a passage that we can set a more power plant, we can generate more electricity. We can use electricity, we can run our appliances with the electricity and we can it open a passage for, dev, for new development of the appliances which can run with the help of electricity. Right? So this was the first power power plant of India uh, in Darjeeling of 130 kilowatt capacity. Later on, a higher capacity power plant of 4.5 megawatt capacity was commissioned. इन कर्नाटका नियर शिव समुद्रम फाल ऑफ कावेरी सो एट दैट टाइम ये पहले था वन थर्टी किलो वाट का उसके बाद तो फोर पॉइंट फाइव मेगावाट का प्लांट लगाया गया सो so, इसको बहुत हायर कैपेसिटी का कंसिडर किया गया था बट इन सब ने क्या किया एक नया पैसेज एक नया एरिया ओपन किया ब्रॉड एरिया ओपन किया कि पावर प्लांट्स लगा सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कर सकते हैं बहुत सारे इक्विपमेंट बहुत सारे मशीन्स को हम रन कर सकते हैं राइट नाउ एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस मीन्स इन 1947 फोर्टी सेवन द आवर पावर जनरेशन कैपेसिटी वॉज वन मेगावाट ध्यान रखिए दिस वॉज द पावर जनरेशन कैपेसिटी डजेंट मीन कि हम इतनी पावर जनरेट करते थे इसका मतलब है कि अगर हम 100 परसेंट पावर जनरेट करना चाहें तो मैक्सिमम इतनी पावर जनरेट कर सकते हैं सो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस और पावर जनरेशन कैपेसिटी वाज 1362 मेगावाट नाउ मेगावॉट गवर्नमेंट एट द गवर्नमेंट ऑफ दैट टाइम टू किट ऑन प्रायरिटी एंड मेक नेसेसरी स्टेप्स टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी एंड इन इन ईयर टू द पावर जनरेशन कैपेसिटी ऑफ इंडिया वॉज़ अप्रॉक्सीमेटली वन लैख मेगावाट But it was not sufficient. So, the president of that time, Dr. A. P. Jabul Kalam, gave a point, gave a vision, mission 2020, vision 2020 for India. And they disclose that India can become a developed country in 2020 by some points. So he discussed in his vision that electricity generation must be हाई ज़्यादा होनी चाहिए नाउ अब ये कैसे होता हमारे पास रिसोर्स बहुत ज़्यादा नहीं थे सो so, कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा जनरेट करें सो so, गवर्नमेंट ने एक इनिशिएशन लिया गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट प्लेयर्स को भी इनवाइट किया जस्ट टू कमीशन द पावर विद द हेल्प ऑफ दैट स्टेप द इंडिया इज़ एबल टू जनरेट अप्रॉक्सीमेटली टू लैख मेगावाटे पावर एट थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेल्व मीन्स दो हज़ार बारह में लगभग हमारी पावर जनरेशन कैपेसिटी होगी दो लाख मेगावाट स्टिल इट इज़ इन सफिशेंट सो गोरमेंट ने फिर इनिशिएशन लिया वी वर्क टुवार्ड द रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स ऑल्सो लाइक सोलर विंड ऑल्सो एंड गवर्नमेंट डिस्कलोज दैट At 31st March 2022, our power generation capacity is approximately 4 lakh megawatt. So now you can think in 2000 it was a 1 lakh megawatt, now in 2020-22 it is approximately 4 lakh megawatt. Now we are having electricity more than our requirement and now we are able to export the electricity to some countries. लेट्स प्रेजेंट स्टेटस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी यू कैन सी दिस दिस इज द इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी इन इंडिया एज ऑफ थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी टू राइट सो हियर यू कैन सी द थर्मल एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी हाइड्रो रिन्यूएबल एंड देन टोटल सम राइट नाउ आई विल गिव यू द डिटेल्ड ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हियर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स एंड प्राइवेट प्लेयर्स यू कैन सी इन थर्मल केस इलेक्ट्रिसिटी डेवलप बाय द कोल बाई सेंट्रल गवर्मेंट इज सिक्सटी अप्रोक्सीम सिक्सटी फोर थाउजेंड मेगावॉट इज बाई स्टेट गवर्मेंट इट इज वल स्टेट गवर्मेंट्स इट इज अप्रोक्सीमेटली सिक्सटी सिक्स थाउजेंड एट हंड्रेड मेगावॉट एंड बाई प्राइवेट प्लेयर्स इट इज अप्रोक्सिमेटली सेवेंटी थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड मेगावॉट

प्राइवेट प्लेयर्स प्लान्स जनरेट अप्रोसीमेटली वन थाउजेंड एट हंड्रेड थर्टी मेगावॉट सो टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वॉज अप्रोसीमेटली सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी मेगावॉट विच इज अप्रोक्सीमेटली वन पॉइंट सिक्स सिक्स परसेंट ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन नाउ गैस बेस्ड पावर प्लान एंड डीजल बेस्ड पावर प्लान्ट सो यू कैन से द गैस बेस्ड पावर प्लान रन बाय द सेंट्रल गवर्मेंट स्टेट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट प्लेयर्स द टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी ऑफ दी गैस बेस्ड पावर प्लान्ट इज अप्रोक्सीमेटली 24,899 मेगावाट थाउजेंड विच इज अप्रोक्सीमेटली 6.23 पॉइंट टू थ्री परसेंट ऑफ द टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी सो नाउ इफ वी कम टू द डीज़ल देर इज़ नो डीजल पावर प्लांट रन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट यू कैन सी द कैपेसिटी इज जीरो एंड वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स रन द डीजल पावर प्लांट ऑफ कैपेसिटी ओनली 236 थर्टी सिक्स मेगावॉट कैपेसिटी वाई प्राइवेट प्लेयर्स ऑल्सो रन द डीजल पावर प्लांट ऑफ कैपेसिटी टू सेवनटी थ्री मेगावॉट कैपेसिटी सो टोटल डीजल पावर प्लान टोटल पावर जनरेन बाई डीजल इज़ अपरोक्सीमेटली फाइव हंडर्ड नाइन मेगावॉट कैपैसिटी विच इज़ अप्रोक्सीमेटली पॉइंट वन थ्री परसेंट ऑफ द टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी सो इफ वी टोटल द थर्मल पावर स्टेशन द सेंट्रल गवर्नमेंट्स प्लान्ट जनरेट अप्रोक्सीमेटली सेवन थाउजेंड नाइन हंड्रेड ट्वेंटी सेवन मेगावॉट कैपैसिटी बाई स्टेट गवर्मेंट प्लान्स जनरेट ऑलमोस्ट सेम कैपेसिटी सेवनटी फाइव थाउजेंड थ्री हंड्रेड कैपेसिटी प्राइवेट प्लेयर्स प्लांट जनरेट स्लाइटली मोर देन स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट यू कैन सी एटी फाइव थाउजेंडी एट हंड्रेड सेवेंटी फाइव मेगावाट कैपेसिटी सो टोटल थर्मल पावर कैपेसिटी टोटल ऑफ कोल लिग्नाइट गैस डीजल और इंक्लूजिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट प्राइवेट प्लेयर्स सो द कैपेसिटी ऑफ ऑल इंडिया कैपैसिटी बाई थर्मल पावर प्लांट इज टू लैख थर्टी सिक्स थाउजेंड वन हंड्रेड एट मेगावाट जनरे पावर आउट ऑफ अप्रोक्सीमेटली फोर लैख पावर दिस मच अमाउंट टू लैख थर्टी सिक्स थाउजेंड वन हंड्रेड एट मेगावाट इज जनरेटेड बाय द थर्मल पावर प्लांट सो यू कैन से अप्रोक्सीमेटली फिफ्टी नाइन परसेंट इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय द थर्मल पावर प्लांट इन इंडिया राइट नाउ कम टू न्यूक्लियर पावर प्लांट

स्टेट गवर्नमेंट हैज़ नो पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, प्राइवेट प्लेयर्स आल्सो हैव नो न्यूक्लियर पावर प्लांट सो टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी बाय न्यूक्लियर पावर इज ओनली 6,780 थाउजेंड सेवन मेगावॉट विच इज अप्रोक्सीमेटली यू कैन सी 1.7 परसेंट ऑफ द टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी फ्यू न्यूक्लियर पावर प्लांट आर कमीशन दे विल कमीशन इन टू थ्री ईयर्स दे आर इन प्रोसेस दे विल कमीशन इन 2 3 years so then in that case the power generation by nuclear energy will definitely will increase now come to hydroelectric power plants so if we are talking about hydroelectric power plant i told you hydroelectric power plant uh, generate only approximately 13% of the electricity uh, how 13% here i have mentioned only 11.7 i told you how it is 13% you can see ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट प्लेयर्स हैव थर्म हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लान्स सो सेंट्रल गवर्नमेंट जनरेट द जनरेशन कैपेसिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान इज़ ओनली फिफ्टीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सिक्सटी फोर मेगावाट कैपेसिटी वायल द पावर जनरेशन कैपेसिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट बाई हायड्रो पावर इज ऑलमोस्ट डबल इट इज़ टू ट्वेंटी सेवन थाउजेंड वन हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स मेगावॉट कैपैसिटीज वाई प्राइवेट प्लेयर जनरेट वेरी लेस पावर बाय हायड्रो इलेक्ट्रिक दैट इज ओनली थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड थर्टी वन मेगावॉट सो द पावर जनरेशन कैपेसिटी बाय हाइड्रोलिक इज टोटल फोर्टी सिक्स थाउजेंड सेवन हंड्रेड ट्वेंटी टू मेगावॉट विच इज इलेवन पॉइंट सेवन परसेंट नौ आई टोल्ड यू देट हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन इज अप्रॉक्सीमेटली थर्टीन परसेंट सो इन द नेक्स्ट स्लाइड आई टोल्ड यू हाउ इट इज थर्टीन परसेंट कम टू एनर्जी रिसोर्सेज यू कैन सी सेंट्रल गवर्नमेंट प्लांट्स जनरेट 1632 थाउजेंड मेगावाट कैपेसिटी वैल स्टेट गवर्नमेंट प्लांट जनरेट 2423 थाउजेंड मेगावॉट कैपेसिटी बट प्राइवेट प्लांट्स प्राइवेट प्लेयर्स जनरेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम रिनेबल एनर्जी रिसोर्सिस यू कैन सी वन लेख फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड ट्वेंटी नाइन मेगावॉट कैपेसिटी सो इट्स बिग अमाउंट द टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी ऑफ इंडिया इज एनर्जी रिसोर्सिजन थाउजेंड नाइन थाउजेंड सॉरी वन लैख नाइन थाउजेंड एट हंड्रेड एट्टी फाइव मेगावाट कैपेसिटी इन दिस वे यू कैन सी द सेंट्रल गवर्नमेंट प्लाट्स जनरेट टोटल नाइंटी नाइन थाउजेंड मेगावॉट जनरे द स्टेट गवर्नमेंट प्लांट जनरेट अप्रॉक्सीमेटली वन लैख फोर थाउजेंड एट हंड्रेड फिफ्टी फोर मेगावाट पावर जनरेशन नाउ इफ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू इन ईयर टू थाउजेंड

हाइड्रो कैपेसिटीज थर्टीन परसेंट हियर आई हैव शोन ओनली इलेवन पॉइंट सेवन सो आई टोल्ड यू हाउ इट इज थर्टीन परसेंट यू कैन सी सी अगेन सी दिस स्लाइड देर इज अ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज देर इज नो ब्रेकअप ऑफ़ दिस रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज सो इन द नेक्स्ट स्लाइड आई हैव गिवन द ब्रेकअप ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हियर यू कैन सी द ब्रेकअप ऑफ एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज दैट सोलर एनर्जी और पावर जनरेशन बाय द सोलर एनर्जी इज फिफ्टी थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन्टी सिक्स अप्रोक्सीमेटली मेगावॉट विच इज अप्रोक्सीमेटली थर्टीन परसेंट ऑफ द टोटल इट इज अप्रोक्सीमेटली राइट विंड पॉवर सी पॉवर जनरेशन बाय विंड इज अप्रोक्सीमेटली फोर्टी थाउजेंड थ्री हंड्रेड फिफ्टी सेवन मेगावॉट विच इज अप्रोक्सीमेटली टेन परसेंट पावर जनरेशन बाय बायोमास 10,205 megawatt. So, it is approximately 2.5 percent. Now, small hydro plants, which include in the renewable energy resources, which were not included in the hydroelectric resources, hydroelectric power plant. So, and which, what are the small hydro power plants? Small hydro power plants whose power generation capacity is less than or equal to 25 megawatt. They are considered as a small hydroelectric power plant and the power generation capacity of such plant is 4848 megawatt. So, now you can see in the first slide the power generation capacity of uh, hydro is 46722 uh, and small hydro power plant is it is 44848.

वी आर जनरेटिंग फोर थाउजेंड सेवन हंड्रेड सिक्स मेगावाट कैपेसिटी फ्रॉम द वेस्ट एफर्ट्स आर डूइंग टू इंक्रीज दिस पार्ट वेस्ट टू एनर्जी सो इन द फ्यूचर वेरी सुन वी विल एबल टू जनरेट लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम द वेस्ट नाउ इफ वी विल डिस्कस अबाउट द फ्यूचर ट्रेंड्स यू कैन सी द फ्यूचर ट्रेंड्स सी इन ईयर टू थाउजेंड अवर पावर जनरेशन कैपेसिटी इट इज़ इन गीगा वॉट ध्यान रखिएगा ये गीगावाट में है पर, अभी तक हमने मेगावाट में डिस्कस किया था नाउ इट इज़ इन गीगावाट, यू कैन सी इन ईयर टू थाउजेंड अवर पावर जनरेशन कैपेसिटी वाज अप्रोक्सीमेटली समवेयर एट टू लैख मेगावाट और टू हंड्रेड सी यू कैन सी हियर कलर कॉम्बिनेशन दैट कोल दिस इज अ कोल एनर्जी देन दिस इज द गैस एनर्जी ग्रीन ग्रीन वन इज द पावर डेवलप बाय द ऑयल राइट

Invite more private players and give uh, some policy, make some uh, liberal policies and try to generate more power. Also, government focus on the renewable energy resources, more, more on the solar as well as on the wind power. So, in the year 2020, we can see the um, uh, role of the uh, policies and power generation capacity, which was very less in year 2010. it is almost double in 2020. You can see it is approximately 300 or 300 uh, 350 mega gigawatt. Now about the projections, about the future status. If we are generating the electricity by the same way, जैसा अभी तक हम generate करते आ रहे हैं, अगर ऐसा ही generate करते रहेंगे और जिस इजाफ़ जिस से हमारी requirement है, उसी इजाफ़ से हम लोग generate करते रहेंगे, so we are able to generate Mo approximately 800 gigawatt in 2030. Approximately 800 gigawatt in 2030. Right. Presently, our power generation capacity is 400 gigawatt. That is 4 lakh megawatt. And in the year 2030, we will be able to generate 800 gigawatt or 8 lakh megawatt capacity. And if we are talking about year 2040, we will be able

Coal power or thermal power is less as compared to solar power. Solar power is introduced somewhere in 2010 and 2020, you can see with this diagram, and it will try to overcome coal power, hydro power. The role of hydro power is very small, you can say we are not able to extract much power from the hydro sources. This is the hydro power. So, you can see here. वी आर नॉट एबल टू जनरेट मोर पावर फ्रॉम द हाइड्रोसोर्सिज राइट बट वी आर वी विलफिनेट वी विल एबल टू जनरेट मोर पावर फ्रॉम द सोलर एंड दिस पोर्शन इज द विंड सी ऑलमोस्ट देयर इज जीरो विंड पावर इन टू थाउजेंड टेन सॉरी इन टू थाउजेंड इन टू थाउजेंड टेन देयर इज स्लाइटली वेरी लेस विंड पावर यू कैन सी दिस पोर्शन

अभी कुछ साल पहले मेट्रो दिल्ली मेट्रो को फोर्टी नाइन करोड़ का कार्बन क्रेडिट मिला था सो व्हाट इज़ कार्बन क्रेडिट ये कार्बन क्रेडिट होता क्या है कार्बन क्रेडिट क्या है देखिए इंटरनेशनली कार्बन क्रेडिट जो है ये इट इज़ एन एग्रीमेंट इट इज़ ए परमिशन जो आपको जो आपको कार्बन को एमिट करने की परमिशन देता है मीन्स यू वेन इफ यू आर हैविंग कार्बन क्रेडिट यू आर एलिजिबल टू Uh, emit certain amount of the carbon dioxide and other greenhouse gases in the uh, atmosphere. One carbon credit means permission to emit one ton of the uh, such gases. One carbon credit means permission to emit one ton of such gases. Now. इसका पर्पस क्या है क्यों यूज़ करते हैं हम कार्बन क्रेडिट सी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कार्बन क्रेडिट इज टू रिड्यूस द एमिशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज बिकॉज वेन एवर यू वॉन्ट टू एमिट द ग्रीन हाउस गैसेज और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज यू हैव टू परचेज कार्बन क्रेडिट सो यू विल पे फॉर दैट गवर्नमेंट इज गेटिंग मनी सो एवरी टाइम यू हैव टू पे इफ यू हैव टू एमिट वन टन ऑफ सच गैसेज यू हैव टू पे सम अमाउंट ऑफ द गवर्नमेंट और सर्टेन एजेंसीज विच आर एबल टू सेल दिस कार्बन क्रेडिट ना हाउ कैन वी सेल द कार्बन क्रेडिट कहाँ से और ये कार्बन क्रेडिट वर्ड आया कहाँ से कार्बन क्रेडिट वर्ड कम इन केम इन टू एग्जिस्टेंस फ्राम द केटो प्रोटोकॉल इन जापान इन नाइनटीन फो नाइनटी सेवन सो नाइनटीन नाइन्टी सेवन में जापान मेंटो प्रोटोकॉल किया गया था विच इज़ रिलेटेड टू एनवायरमेंट और इस एनवायरमेंट से रिलेटेड प्रोटोकॉल में ये डिसाइड किया गया कि वी हैव टू रिड्यूस द एमीशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज एज वेल एज कार्बन डाईऑक्साइड सो carbon credit words comes into existence now carbon credit carbon credit can buy or sell like shares they are available in india you can see their uh, carbon credit can be traded on india's multi commodity exchange right it is the first exchange in india where you, we can trade the carbon credit now some uh, some companies which already have some carbon credit and now they are emitting less amount of the uh, greenhouse gases or carbon dioxide they can sell their carbon credit to other companies. So there is such example you can see Jindal Vijayanagar Steel have recently declared that by the next 10 years it will be ready to sell 225 million dollar worth rupees. कार्बन क्रेडिट जस्ट टू सेव द कार्बन सो दिस मच अमाउंट वो जस्ट दे रिड्यूस देयर कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन एंड ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन एंड देन दे आर एबल टू सेल देयर कार्बन क्रेडिट टू अधर्स दोज हु आर दोज ऐट द टाइम हू विल एमिड द कार्बन और एमिड द कार्बन डाइऑक्साइड और अमिड द ग्रीन हाउस कैसेज

this is uh, today this is sufficient uh, i have discussed the history of the power plant i have discussed the present status of the power plant i have discussed the future trend of the power plant and carbon credit so dear friends if there is any suggestion uh, any questions uh, you can uh, send these to me thank you thank you very much